देश की तरफ उठने वाली हर नापाक निगाह का माकूल जवाब देना ये जानते हैं। हिंसा के जरिए देश की सत्ता पर काबिज होने का नापाक मंसूबा पाले हुए नक्सलियों पर ये कोबरा बनकर कहर की तरह टूटते हैं। जम्मू कश्मीर में देश के खिलाफ उठने वाली हर आवाज से निपटना ये बखूबी जानते हैं। ये हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, ये हैं तो हम खुली फिजाओं में आज़ादी से बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये हैं तो हम हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के अर्धसैनिक बलों की और उनमें से भी सबसे एलीट फोर्सेस कही जाने वाली सीआरपीएफ की, जिनके जवानों के बीच आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आए हैं उनके शौर्य को सलाम करने देश की 73वीं आज़ादी की सालगिरह पर। और यहाँ आने का हमारा एक खास मकसद और है। जिन हाथों में देश की सुरक्षा का जिम्मा है, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश की सरकार हमारे जवानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका भविष्य और सुरक्षित बनाने के लिए आज हम इस खास पेशकश को लेकर आपके बीच में आए हैं। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और यह है हमारी खास पेशकश जय जवान इन्वेस्टमेंट प्लान। और मेरे साथ बहुत सारे खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ जवान हैं, लेकिन सबसे पहले मंच पर जो बैठे हुए हमारे साथ सबसे स्पेशल अनिल सिंघवी जी। बहुत जोरदार तालियों से आप अनिल सिंघवी जी का स्वागत कीजिए। अनिल सिंघवी जी CACS हैं और बीते 25 साल से स्टॉक और इन्वेस्टमेंट पर पूरे देश के लोगों को सलाह दे रहे हैं और इस वक्त देश के नंबर वन बिजनेस चैनल जी बिजनेस, आपका चहेता जी बिजनेस चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं अनिल सिंघवी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। थैंक यू दीपक। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान RS रोतेला साहब, जो कि DIG हैं वेस्टर्न सेक्टर CRPF के। DIG रोतेला, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं राजेश कुमार जी, जो कि कमांडेंट हैं 102 RF यूनिट के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जी बिजनेस की ओर से हम स्वागत करते हैं हमारे जांबाज जवानों का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और देश की तरफ से जी बिजनेस की तरफ से आपको लाखों सलाम, लाखों दुआएं, लाखों धन्यवाद। जो आप इस देश के लिए कर रहे हैं सर, वो अमूल्य है, अतुल्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनिल जी आपसे शुरुआत करते हैं जी। और मैंने आपके अंदर वो जोश देखा है सेना वाला। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी मार्केट आवर्स खत्म होते हैं या कोई शो खत्म होता है, अनिल जी के अंदर का एक जो फौजी है जो छुपा हुआ, वो जागता है और देश की सेना के लिए इनके दिल में जो प्यार है उसकी झलक दिखती है हर शो के आखिर में। ये सैल्यूट करते हैं हमारे देश की सेनाओं को, आप लोगों को सैल्यूट करते हैं हमारे हर शो के आखिर में। ये जज्बा अनिल जी के अंदर है। सर, ये जज्बा कहाँ से आया पहले? एक्चुअली दीपक, पहली चीज तो ये कि सबसे पहले धन्यवाद हमारे सभी जवानों का, और स्पेशली रोतेला साहब और राजेश कुमार जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक शो इन सब जवानों के बीच में कर सकूं। कहते ना कि वो ज़िंदगी में आपकी एक टिक लिस्ट होती है कि मुझे ज़िंदगी में ऊपर जाने से पहले ये काम करने हैं। विश लिस्ट उस विश लिस्ट में एक टिक आज हो गई और मैं चाहता था दिल से कि मैं जवानों के साथ एक शो करूँ। और पिछले साल इस वक्त मैं दिल्ली में था और मैंने काफ़ी कोशिश की दिल्ली में कि कोई एक ऐसा शो मेरा बन पाए जवानों के साथ, जहां मैं उनके साथ जाऊं, बात करूं, उन्हें कुछ जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत समझ है बाज़ार की, इन्वेस्टमेंट की, वो देने की कोशिश करूं, लेकिन ये हो ना पाया। इसके लिए आप दोनों का भी धन्यवाद दीपक, आपका भी धन्यवाद कि आपने ये मौका मुझे दिया। जहाँ तक सवाल ये कि ये जज्बा कहाँ से आया, ये जज्बा इस बात से आया कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। उन अनुभवों में मैंने देखा है कि देश के जवान किस तरह से बिना किसी सोच विचार के अपनी पूरी जान देश के लिए लगा देते हैं। तो हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ है। पैसा बनना नहीं बनना, कम बनना ज़्यादा बनना, आता जाता रहता है, लेकिन जो जान है आपकी वो एक ही बार जाती है। और ये रियल लाइफ हीरो हैं, यहाँ कोई रीटेक नहीं है। Yes. तो इसलिए जब मैंने सबसे पहले पिछले साल रात को 8 से 9 बजे देश की बात शो जो शुरू किया, अब आप करते हैं उस शो के शुरुआत करने के वक्त मुझे ये ख्याल आया कि हम जब देश की बात कर रहे हैं तो देश में मेरे लिए सबसे अहम कौन है। और तब मेरे दिमाग में कहीं कोई डाउट नहीं था, देश में मेरे लिए सबसे अहम है देश के जवान, जिनकी वजह से हम चैन की नींद हर रोज सोते हैं, जिनकी वजह से हम महफूज हैं, जिनकी वजह से हम बड़े आराम से रह रहे हैं। तब से मैंने शुरुआत की कि जब मेरा शो खत्म होगा, मैं और मेरे सारे गेस्ट एक्सपर्ट्स जो उस शो पर हैं, हम खड़े होकर एक सैल्यूट करेंगे देश के सभी जवानों के लिए। ये
ये शुरुआत वहाँ से हुई रोतेला साहब, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मैंने रात को 8 बजे वाला शो करना बंद कर दिया। मुंबई आने के बाद समय थोड़ा कम मिलता था, तो मैंने कहा, तो ये कसक दिल में रहती थी कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये कसक नहीं कि मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कसक ये रहती थी कि मैं जिन लोगों का वाकई में दिल से सम्मान करता हूँ उनके लिए मैं ये कर नहीं पा रहा। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला, होगा लोग कहते हैं कि बिजनेस चैनल है, बिजनेस चैनल में तो आदमी सूट बूट लगाकर एकदम ऐसा टाई लगाकर ऐसे बैठे रहना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा हम परंपराओं को तोड़ेंगे। तो हर रोज़ सुबह 10:30 बजे जब हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो मैं ख़त्म करता हूँ, तो मैं और मेरे जितने एक्सपर्ट्स जितने पैनलिस्ट मेरे साथ हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आप खड़े हों अपनी जगह पर और देश के जवानों के लिए एक सैल्यूट करें। और उससे जो खुशी मिलती है, और मैं कसम से कहता हूँ कि जब ये सैल्यूट मैं करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सबको एक बहुत बहुत बड़ा प्रणाम नमस्कार, ये आपके प्रति मेरा प्यार नहीं सम्मान है जो मैं जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। क्या बात है सर, और रोज आपको हम लोग देखते हैं, आई एम श्योर हमारे जितने भी यहाँ पर जवान बैठे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन बैठे हैं, सभी लोग अनिल जी को भी रोज फॉलो करते होंगे। अच्छा, शो की शुरुआत करते हैं, आपसे ही पूछते हैं सबसे पहले, आप में से कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने आज तक किया है या सोच रहे हैं या अब तक कोई एक्सपीरियंस है आपका, कितने लोगों में से हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आप हैं तो? यस, इसीलिए सर हमने ये तो एक बिजनेसमैन थे बड़े से, उन्होंने अपने सेल्समैन को कहा किसी एक दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे शहर में जाने के लिए, काम था उनका जूते बेचने का, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जाइए आपको इस शहर में जाके जूते बेचने हैं। दो लोगों को भेजा, एक घूम फिर कर वापस आ गए, कहा कि सर कोई चांस ही नहीं है वहाँ जूते बिकने का। मैंने देखा उस शहर में कोई आदमी ऐसा नहीं जो जूते पहनता है, बड़ा वो ट्राइबल इलाका है, नक्सल टाइप का, वो होता है ना जंगल वाला टाइप का, वहाँ उनको ज़रूरत ही नहीं, उन्होंने ज़िंदगी में जूता देखा ही नहीं, ठीक है, पहना ही नहीं, वहाँ कौन खरीदेगा, वापस आ गया। दूसरा एक मेरे जैसा था, उसने कहा सर यहाँ तो 100% मार्केट है, किसी ने अब तक जूता खरीदा नहीं है। क्या बात, अगर हम इनको ढंग से समझाएंगे कि जूते की अहमियत क्या है तो ये सब खरीदेंगे। तो मेरे लिए ये एक बड़ा मौका है कि अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। बिना देर गंवाए सर प्लीज शुरू करिए। आपको अब तक जितना आप समझ पाए हैं हमारे देश के जवानों की जो दिक्कतें हैं, उनके जो लिमिटेशंस हैं, उनमें आपने कौन कौन सी दिक्कतें फाइंड आउट की हैं और उनका सोल्यूशन क्या है? मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, आमतौर पर ये कम से कम 4-5 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, BSF के जवान होते हैं एयरपोर्ट पर स्कैनिंग करते वक्त, या तो कभी मेरी आवाज़ से पहचान जाएं या कभी मुझे देखकर, और नहीं तो साथ में बोर्डिंग पास होता है तो नाम पढ़ लेते हैं अनिल सिंघवी, तो पहचान जाते हैं, सर आपका शो देखते हैं, आपके बोलने पर हमने ITC खरीदा हुआ है, आपके बोलने पर ये खरीदा हुआ है, अब क्या करें या अब कहाँ लगाऊँ पैसा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है। और मैं 2 मिनट रुक कर उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कब क्यों और क्या पूछ रहे हैं। तो उससे मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं आप जवानों के बारे में, सही है या गलत आप बताइएगा, लेकिन जो मैंने समझा है, पहली चीज़ समझ की कमी है, निवेश कब करें, कैसे करें, कहाँ करें और उस निवेश की देखभाल कैसे करें, इसकी समझ की कमी है, पहली चीज़। और जब आपको समझ की कमी होती है तो जाहिर सी बात है कि आप वो करना नहीं पसंद करेंगे कि जो मैं चीज़ जानता नहीं करूं क्यों, राइट भी है, आपकी राइफल हमें दे दें और हमें चलाना नहीं आता तो हमारे क्या काम की, दिखने में अच्छी लग रही है, लगता है कि हाँ बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो समझ नहीं है उसका क्या करें। तो एक पहली प्रॉब्लम तो जवानों की है कि उन्हें समझ कम है इन सब के बारे में, क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास समय कम है। हम तो बड़ी आसान सारे 10 से 5 वाली नौकरी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के करते हैं, आपके रैपिड एक्शन फोर्स वाले बैठे हैं, पता नहीं आप कैसे अपने आप को फिट रखते हुए इतना काम करते हैं, और वो भी मुश्किल परिस्थितियों में, आसान परिस्थितियों में तो इनकी याद ही नहीं आती 24/7। हाँ, आपकी ज़रूरत तो तब महसूस होती है जब कोई बड़ी मुश्किल वाली हालात है, उस हालात में आप जो काम करते हैं तब न तो कोई समय है, न कोई खाना है, न कोई पीना, न कोई सोना है। तो आपके पास समय की कमी है, समझ की कमी है। और तीसरी बात जो है, आप हमारे देश के नौजवान हैं, रक्षा कर रहे हैं, सरकार अपने तरीके से आपकी देखभाल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, जब तक आप सर्विस में हैं तब तक आपकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल हो पाती है। सर्विस खत्म होने के बाद क्या,
उसके बाद शायद देखभाल लिमिटेड होती होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको पूरा हाथ छोड़ दिया जाता होगा, लेकिन देखभाल लिमिटेड होती है। तो तीसरी प्रॉब्लम जो है कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं ना, आमतौर पर जो मेरी समझ है, आप लोगों की रिटायरमेंट हमारे से ज़्यादा जल्दी हो जाती है जवानों की, तो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी देखभाल कैसे हो, ये तीन समस्याएं मैंने नोटिस की है जो आमतौर पर जवानों के साथ है। इस बीच आप जो अनिल सर ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, आप एक सर्विंग ऑफिसर हैं सर, आपको किस तरह की समस्याएं आती हैं इन सब का चयन? और अगर कोई प्रॉब्लम जो मेरी समझ में नहीं रही है कि जो मैंने मिस कर दिया, तो वो भी बताएं कि हाँ और कोई ऐसी दिक्कतें हैं जो जवानों के साथ हैं। अनिल सिंघवी जी, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जी बिजनेस ने ये 102 आरएफ का जो ये प्रांगण चुना है, और वो भी 15 अगस्त का, जो अपने समय के लिए आप ये शो कर रहे हैं जी। हम आपके बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, आपको, दीपक डोवाल जी को, और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। हम लोग बहुत बहुत अपने को समझते हैं। और दूसरा, ये जो आपने ये सवाल किया, बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है जिस बारीकी से आपने अभी पूरा ये अपना जो सार दिया इतना अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ आपने छोड़ी। कोई जो तीन आपने जो कारण बताए जी, वो बिल्कुल सही है कि एक तो हम लोग का ज्ञान नहीं है, जैसे कि होता ही है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको एक कोई गुरु चाहिए, कोई टीचर चाहिए। हम लोग भी जब आए थे फोर्स में, हमें भी नहीं मालूम था कि फोर्स क्या होती है, वेपन क्या होता है, ड्रिल्स क्या होती हैं, टैक्टिक्स क्या होती है। हम भी बिल्कुल एक आम नागरिक थे, हमको ट्रेनिंग दी गई और तब हम जाके उस मुकाम पे आए। हमको आज तक ट्रेनिंग नहीं मिली कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है जी। तो अब हमें ये एक मौका मिला है आपके ज़रिए कि हमको ये थोड़ी सिखलाई मिल पाएगी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो वही हो पाती है जो कि हमारे जो साथी लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया होता है, लोग उससे पूछ के, अगर उसने कहीं किया तो हम लोग कर लेते हैं, या कोई ऐसे हमारे बीच में लोग होते हैं जो थोड़े बहुत जानकार होते हैं, बट वो हर एक को नहीं मिल पाते। ठीक बात। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार हम लोग के इन्वेस्टमेंट कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन वो बड़े रिस्की होते हैं जी। वो बहुत रिस्की हम लोग के इन्वेस्टमेंट रहे हैं, एंड जहाँ तक हम लोग की नॉलेज है, बहुत लिमिटेड हम लोग की नॉलेज है इस फील्ड में। समय बिल्कुल जो आप बता रहे हैं इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम लोग के जो जवान हैं जी, उनके एक्चुअली ड्यूटी इस तरह से बंधी होती है, और हमारी 80% ऑफ द फोर्स इज इन हार्ड एरिया। तो यानी कि ये 3.25 लाख की फोर्स है, उसके 80% लोग जो हैं वो हार्ड एरिया में हैं। तो कोई अपने J&K में, कश्मीर जैसे इलाके में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई नक्सल एरिया में है, तो वहाँ पे नक्सल के भी 3-4 राज्य हैं जो उसमें ग्रसित हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो तो ड्यूटी में रहते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो कोई सुबह आ रहा है, कोई शाम आ रहा है, तो उनका इतना समय नहीं है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे सके। ऑलराइट, ठीक है सर। तो शुरुआत करते हैं, आपके तीनों जवाब आपने समेट लिए इन सब चीज़ों, उनको इलैबोरेट भी कर दिया है जो आपने कहा। तो आपकी जो समस्याओं का जो ऑब्जर्वेशन था वो फुली 100% मैच है ग्राउंड लेवल पे भी। कमांडेंट राजेश, आप बताइए सर, अभी तक समझ में आया है, अभी तक जो अनिल जी ने जिन बातों को इंक्लूड किया है अपनी स्पीच में, उनमें से कौन सी ऐसी बातें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों के बीच में रहते हुए आपने महसूस किए कि ये छूट गई हैं? अनिल जी, सबसे पहली बात तो जब भी शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सोसाइटी में इसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि अगर पैसा डाला तो डूबेगा ही जी। लेकिन ये एक आर्ट है, और जो ये आर्ट जानते हैं वो इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा भी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जानकारी, तीसरी चीज़ ये है कि अपडेट रहना, और चौथी चीज़ ये है कि जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन टाइमली आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिस्क से जुड़ी हुई हैं, और जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है उसका पैसा 100% नुकसान में ही जाएगा जी। तो मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हमारे जवान ना तो इतनी जानकारी रखते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, अगर कर देते हैं तो किसी की सलाह पर कर देते हैं, इन्वेस्ट कब करना है ये तो जानते हैं लेकिन निकालना कब है ये नहीं जानते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको लेके बैठे रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो सेफ हो, बेशक रिटर्न कम हो, बट एटलीस्ट श्योरिटी हो कि हाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह है उनसे ज़्यादा मिलेगा। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बेशक रिटर्न कम हो, जिसमें
जवान को रोज मेहनत ना करनी पड़े, अपने इन्वेस्टमेंट को देख के रोज अपनी हार्ट बीट अप डाउन ना करनी पड़े। सर जिन जागन्स का आपने इस्तेमाल किया है, आई एम श्योर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट से। हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं रेगुलर न्यूज भी देखता हूँ, और ये भी मैंने देखा है कि जब तक आप बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप बीच में किसी दिन एक दिन न्यूज़ नहीं देखते हैं तो उसी दिन नुकसान हो जाता है। जितनी रिस्क जिंदगी की है उतनी रिस्क इन्वेस्टमेंट की। रिस्क फ्री जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि इस रिस्क को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। और राजेश जी ने पॉइंट एकदम सही उठाया कि लोगों के पास, हमारे जवानों के पास समझ कम है, पोस्टिंग जहाँ है वहाँ पर इंफॉर्मेशन पर एक्सेस नहीं है, हर रोज़ न्यूज़ भी नहीं देख सकते। और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आज हम जवानों को उस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बताएं जो इनके कामकाज के तरीकों के बीच में भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़, आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ रिस्क कम हो। दूसरी चीज़, पैसा ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर आपको रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। और तीसरी चीज़, पैसा ऐसी जगह लगाना है जहाँ आपको रोज़ ज़ी बिजनेस भी देखने की ज़रूरत ना पड़े और अनिल जी को भी सुनने की ज़रूरत ना पड़े, उसके बावजूद आप पैसा बना पाए। अब मैं आपको एक मैथमेटिक्स समझाता हूँ। अगर आपने किसी भी शेयर, छोड़ दीजिए शेयर में कई बार होता है, कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, अलग अलग कंपनी के हिसाब से कई बार स्टॉक बहुत बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं, खराब बाजार में भी शेयर बढ़ते हैं और बढ़िया बाजार में भी गिरते हैं। एक बार छोड़ दीजिए, फर्ज करें कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ठीक है, अगर आप 5 साल तक इंतज़ार करते हैं तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि 5 साल में उस म्यूचुअल फंड की NAV, जिस प्राइस पे आपने वो म्यूचुअल फंड खरीदा है, पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि उस भाव पर वापस आ जाए। हो सकता है इस बीच में आपको अपना इन्वेस्टमेंट 25% 50% नीचे दिखे और तब आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, अरे ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन अगर आपने 5 साल रखा तो कम से कम 5 साल में आपकी कैपिटल की एक तरह से आप रीजनेबल सेफ्टी मान सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो आ जाएगा। लेकिन आप पैसा प्रिंसिपल अमाउंट के लिए थोड़ी लगाते हैं कि 5 साल मैंने पैसा लगाया कमाया कुछ नहीं, कमाई तो चाहिए ना। अब मैं इस पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ा दूं। अगर आपने 8 साल पैसा रखा, और ये तब बता रहा हूं कि जब आपने किसी साल में सबसे खराब दिन पैसा लगाया, उस दिन के हाईएस्ट मार्केट पर जाकर, तो आपको पूरी संभावना है 12-15% सालाना रिटर्न कंपाउंडेड वो आपको कमाई होगी। तो 8 साल से 10 साल में मार्केट की टेंडेंसी है कि वो आपको 15% सालाना रिटर्न देता रहे। तो बस अब आपको क्या करना है, सबसे खराब दिन पैसा नहीं लगाना है, पहला काम इतना करना है, दूसरा कम से कम 5 साल के लिए लगाना है, और 8 से 10 साल के लिए अगर आपने पैसा लगा लिया तो पूरी संभावना है कि आपको सालाना 15% का रिटर्न मिलेगा, जो और किसी एसेट क्लास में नहीं मिलता, न प्रॉपर्टी में बनता है न गोल्ड में बनता है। तो सर ने पूरी तरह से समझा दिया, शेयर इक्विटी में जाने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुनिए, उसमें सवाल उसमें, वो आपके लिए नहीं, उसमें लगाए, इक्विटी में डायरेक्टली पैसा लगाना आपके लिए नहीं है। और दूसरा, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं रखनी है, लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है। शॉर्ट टर्म रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर होने की दिक्कत है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे तो रिटर्न अच्छा आना तय है। इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसको या नहीं कह सकते लाइफ इंश्योरेंस को? आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स मत करिए। सर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय हमें किन किन बातों का सावधानियां बरतनी चाहिए? चलिए इसी के साथ अब हम आपके साथ आते हैं, हमारे सवाल जवाब बहुत हो गए, जो मन में आए वो सवाल पूछिए। कहां से शुरू करें सर, कौन, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसको भी सवाल पूछना। ऑलराइट सर, आ रहे हैं आपके पास माइक, दीजिए माइक पहुंचाएं। मेरा नाम अनंत थोरत है। म्यूचुअल फंड निवेश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। म्यूचुअल फंड वो फंड है जहां पर आपके मेरे जैसे देश के लाखों लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, उन सबका पैसा उस फंड में जाता है, और उस फंड में जाने के बाद कुछ समझदार प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं जिनको इस बात की ट्रेनिंग मिली है, जिन्होंने इस बात की पढ़ाई की है, वो आपके बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अब होगा क्या,
आपको मिनट टू मिनट डे टू डे देखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा नहीं बड़ा पैसा लगेगा, एक साथ कई इन्वेस्टर्स का लगेगा, कब खरीदना है कब बेचना है, वो जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं जिनको इस बात की समझ है, दिन रात जो यही काम करते हैं, वो आपके ब्याह पे पैसा लगाएंगे। तो म्यूचुअल फंड, जैसे कहते हैं म्यूचुअल मतलब हम सब, फंड मतलब पैसा, हम सब मिलकर जो पैसा लगा रहे हैं और किसी प्रोफेशनल समझदार आदमी को जो फंड चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। ऑलराइट सर, क्लियर हो? जैसे आप सब लोग मिलकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा ही फंड है। और कोई सवाल सर, और कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? ऑलराइट सर को माइक दीजिए प्लीज। मेरा नाम विनायक इंगले है। सर, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय हमें किन किन बातों का सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, आपको रिस्क समझ में आनी चाहिए। दूसरा, पैसा आज लगा के कल निकालने के लिए नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आज आप एक बीज बोते हैं और आपको लगता है कि मुझे आम का पेड़ चाहिए, तो हो सकता है आपने पेड़ लगाया, फल तो आपकी आने वाली पीढ़ी खाएगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से करना है कि कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल तो सोचें, तो दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़, जो उतार चढ़ाव होता है, जैसा मैंने कहा कि आज आपने लगाया कल पक्का निश्चित तौर पर नीचे जाना है, तो क्या और नीचे जाने पर मैं थोड़ा पैसा और लगा सकता हूँ, जिसे हम आमतौर पर SIP कहते हैं, समय समय पर इन्वेस्टमेंट करना, नीचे के लिए मेरे पास थोड़ा और पैसा होना चाहिए, चाहे वो आने वाली सैलरी से हो या मेरी बचत से हो, जब मौका मिले मैं थोड़ा और पैसा लगाऊंगा। ये दो तीन चीज़ें, रिस्क लंबे समय के लिए, और ये ना सोचें कि अनाप शनाप बहुत पैसा बन जाएगा, रीजनेबल पैसा बनेगा। देखिए, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ से कमाते हैं? स्टॉक मार्केट में, या जो उनका मैंडेट है वहाँ पैसा लगाकर। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से लाकर आपको देंगे। तो मार्केट अच्छा करेंगे, देश की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो सब कमाएंगे, कंपनियां अच्छा करेगी तो उसका पैसा बनेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिस्क को समझते हुए रीजनेबल रिटर्न के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ठीक है सर, मुझे लगता है समझ में आ गया। और हम मानकर चल रहे हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं है, आपके सबके सवाल हैं। तो अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको बधाई हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया है, पहले से अग्रिम बधाई आप सबको। तीसरा सवाल कहाँ से लेंगे सर? कोई भी, आप ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा सवाल पूछ लिया सब लोग हंसेंगे, अनिल जी सोचेंगे कि ये क्या पूछ लिया, ये कोई सवाल है क्या? ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार। मेरा एक सवाल था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया म्यूचुअल फंड के बारे में। मेरा एक बेसिक्स था सबके लिए है कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट करें और किस तरीके से हम अच्छी कंपनियों को पहचाने, AMCs को कैसे अच्छे से पहचाने एज ए लेमन लैंग्वेज, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। जी अमित जी, दो चीज़ें हैं, पहला म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें और दूसरा अच्छी कंपनियों को कैसे पहचाने। तो पहले सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, दो तरीके हैं। या तो अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को जानते हैं तो आप उस फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन भी कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कई सारे एडवाइज़र्स हैं, आप किसी की एडवाइस लेकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत समझ है या आपको कोई एक अच्छा एडवाइज़र है, तो आप सीधे तौर पर म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप चाहें तो किसी एडवाइज़र के थ्रू भी जा सकते हैं, और सीधे नहीं तो किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में आप पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको एडवाइज़र की भी ज़रूरत नहीं। मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा जी, उसके लिए कोई बैंक खाता कुछ लिंक करना होता है अलग से, कोई डीमैट कहता है, इसकी ज़रूरत है हमें? देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए बैंक अकाउंट की तो ज़रूरत है ही, डीमैट अकाउंट नहीं भी हो तो चलेगा। लेकिन हाँ, जो दूसरा सवाल है शेयर कैसे खरीदें, कौन सा खरीदें, उसके लिए डीमैट अकाउंट भी आपको चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमने एक शो किया है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। आप YouTube पे जाएंगे या ZEEBusiness.com की हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके सारे एपिसोड्स हैं। वो एकदम बेसिक्स, हमने बहुत बेसिक, शेयर क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे पैसे देने होते हैं, कैसे शेयर आपके अकाउंट में आते हैं, बेचने तो कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये उसमें आपको मिलेगी। तो वो पुराने एपिसोड्स आपको जब भी समय मिले आप वो आराम से YouTube पे देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। लेकिन दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि सही कंपनी की पहचान कैसे करें, बस यही काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, 25 साल से कोशिश कर रहा हूँ, दर्द ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब है ना, कंपनी सही है या गलत,
ये बाद में ही पता चलता है, पहले पता नहीं चलता। जब हम पैसा लगाते तो यही सोचते हैं कि कंपनी सही होगी, इसीलिए लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए अमित जी, वो ये है कि एक शेयर खरीदने में और कई सारे शेयर खरीदने में एक फ़र्क है, राइट। एक शेयर हमने कोई ये सोच के खरीदा कि ये शेयर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको कभी पता नहीं होता है। ये अनिश्चितता जो है वो न सिर्फ ज़िंदगी में, बिजनेस में भी है। कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी ख़राब हो सकती है कभी किसी वजह से, और कोई ख़राब से ख़राब कंपनी अच्छी हो सकती है। ये रिस्क हमेशा रहेगी। इसलिए हम कहते हैं या तो आप एक शेयर मत खरीदिए, कई सारे खरीदिए, ताकि आपकी रिस्क थोड़ी फैल जाए। कहते हैं कि वो सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, है ना, सेम वही फॉर्मूला है। या दूसरा तरीका फिर वो है कि म्यूचुअल फंड खरीद लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको एक ही खरीदना है, लेकिन उस म्यूचुअल फंड में 50 शेयर होंगे, 100 शेयर होंगे अलग अलग, तो कभी गलती से एक दो कंपनियां खराब हो भी गई, डूब भी गई, बंद भी हो गई, तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा। इंडिविजुअल शेयर खरीदने में हमेशा रिस्क है, पैसा बनने की संभावना ज़्यादा है तो नुकसान होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। इसलिए इंडिविजुअल शेयर खरीदने का जो सही कंपनी की पहचान करने का जो फॉर्मूला है, मैं ढूंढ रहा हूँ सर अभी भी, शायद मुझे भी मिल जाए इस उम्र में। एक आध सवाल और ले लेते हैं, समय की थोड़ा कमी है तो। जी जी मैम, प्लीज़। गुड आफ्टरनून सभी को, आई एम इंस्पेक्टर वृशाली होबड़े। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम आज की डेट में VRS जाते हैं तो हमें लमसम 25 या 30 लाख के समथिंग अमाउंट मिलेगी, तो उस अमाउंट को हम किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या उसको हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या कोई रियल इस्टेट में, या जैसे आप बता रहे थे म्यूचुअल फंड्स में, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा सर? VRS लेते ही उसके बाद आपको क्या मंथली कुछ पैसे मिलेंगे सरकार से? मंथली बिल्कुल सर, उससे आपका काम चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, चल जाएगा। पेंशन मिलेगी उसमें, हमारा काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। अब ये जो पैसा आपको VRS का मिलता है वो आपको कितने समय तक नहीं चाहिए? मिनिमम अप टू 15 इयर्स। 15 इयर्स। अगर आपको 15 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है तो आपको 3 से 5 अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने हैं और वहां पैसा लगाना है। फिर भी चूंकि आपकी समझ म्यूचुअल फंड को लेकर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर कम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा गोल्ड में डाल सकते हैं। जितना VRS मिल रहा है उसका 10% गोल्ड में रखिए, 10 से 15% आप फिक्स इनकम में, FD टाइप में या फिक्स इनकम वाले डेट फंड होते हैं उसमें रखिए, और 75% पैसा आप इक्विटी फंड में डाल दीजिए। इक्विटी फंड में भी आपके लिए मल्टी कैप इक्विटी फंड होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर्स अपनी मर्जी के हिसाब से, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से कभी दिग्गज शेयर खरीदेगा, कभी मिड कैप शेयर खरीदेगा, कभी स्मॉल कैप शेयर खरीदेगा, तो 15 साल के लिए आपका एकदम परफेक्ट वो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो 15 साल में ये पोर्टफोलियो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। एक और चीज़ मैम, गोल्ड खरीदने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको गोल्ड खरीदना है, अब गोल्ड खरीदने के बहुत बेहतर तरीके हो गए। आप गोल्ड ETF में पैसा लगा सकती हैं, सेफ्टी एकदम। वैसे तो आप जवान हैं, आपके पास आसपास कोई आ भी नहीं सकता कि आपका गोल्ड कोई चुराने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आजकल डीमैट फॉर्म में फिजिकल गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं, रखने का झंझट नहीं है, सेफ्टी है। जितने गोल्ड के दाम बढ़ेंगे उतने ही गोल्ड ETF का दाम बढ़ता है, वो आप कर सकते हैं। आप गोल्ड फंड हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। एक और बढ़िया चीज़ अभी जो सरकार ने शुरू की है, गोल्ड बॉन्ड्स आ गए हैं, तो आप गोल्ड बॉन्ड्स में अगर पैसा लगाते हैं तो न सिर्फ गोल्ड के भाव बढ़ते हैं उसका फ़ायदा मिलेगा, बल्कि उस पर सालाना 2-2.5% के आसपास का जो ब्याज है वो भी आपको हर साल मिलेगा, तो आपको गोल्ड में डबल फायदा है। तो ये आप मिक्स कर लीजिए, 15 साल के लिए आप करें, थोड़ा गोल्ड, थोड़ी फिक्स इनकम और ज़्यादा इक्विटी, ठीक है? थैंक यू सर। बिल्कुल, यानी कि एक टारगेट आपका जो भी है उस टारगेट को पहले सेट कीजिए, पहले दिमाग में एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को सेट कीजिए और फिर गोल की तरफ बढ़िए, जैसे आप कदम से कदम मिलाकर बॉर्डर की तरफ। एक ही चीज मैं जो और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप दिन में कई घंटे फिजिकल हेल्थ पर देते हैं, मैं आपको कहूँगा फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सिर्फ 10 मिनट दीजिए। मैं दिन भर में फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान रखता हूँ, शायद 10-15 मिनट में फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखूंगा तो मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो बस इतना ही है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप अपने मन से निकाल लीजिए कि आप मुश्किल काम करने जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे में आपका न सिर्फ फिजिकली बल्कि फाइनेंशियली भी आपका फ्यूचर एकदम अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तरक्की करेंगे उस मामले में। और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा। बिल्कुल, चलिए इसी नोट के साथ, यस सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, दो सवाल। जी जी, प्लीज सर, प्लीज। अनिल जी, एक तो ये, क्योंकि
आजकल के ज़माने में हम लोग की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं जी, हो क्या रहा है कि हमारे जवान भी कई लोन्स ले लेते हैं। अब वो जो लोन लेते हैं वो किस्म किस्म के लोन है, कोई घर लेने के लिए रहे, कोई ज़मीन के लिए, कोई गाड़ियों के लिए, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए। ये जो लोन हम लोग लेते हैं ये किस तरीके लोन कितना लेना सही रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये समाज को देखते हुए केवल हम लोग केवल लोन से बहक जाते हैं जी। और क्योंकि हमारी ज़रूरतें देखते हैं दूसरा आदमी ये है तो हम भी ख्वाहिशों के चक्कर में बढ़, तो ये केवल मेरे को लगता है ये विशेष सर्कल आ जाता है। तो क्या ऐसा होगा कि लोन के ऊपर हमें आप जानकारी दे सके कि ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को ये जानकारी होना, और उसकी वजह से कई बार लोग डिप्रेशन में भी आना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ देखने में। बहुत बहुत अच्छा सवाल है रतेला साहब, और इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, लोन लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन डिसाइड ये करना है कि लोन किस चीज़ के लिए लेना है और कितना लेना है। गलत या सही का डिसीजन वहीं से आएगा। क्या आपको घर खरीदना है, इसके लिए लोन लेना बिल्कुल लेना चाहिए। क्या आपको विदेश यात्रा पर जाना है, उसके लिए लोन लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लोन लेना, इसमें फ़र्क है। अगर आप सिर्फ अपने खर्चों के लिए लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर उधार लेकर ज़िंदगी चला रहे हैं, तो गलत है। लेकिन अगर आप अपनी बच्चों को पढ़ाई के लिए आप लोन ले रहे हैं तो शायद गलत नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से बच्चों के फ्यूचर में आपका। घर खरीद रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि जब मैं रिटायर होने के नज़दीक पहुंचूंगा, 40-45 साल का हो जाऊंगा, तब मेरी इतनी सेविंग हो जाएगी, महीने के 10,000-25,000 बचा रहा हूं, तब मेरे पास 40 लाख रुपए हो जाएंगे, तब मैं घर खरीदूंगा, तब पता चला तब घर ही 4 करोड़ का हो गया, वही घर जो आप 40 लाख में लेना चाहते थे, तो वहां पर आपको पहले ही लेना पड़ेगा। लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से देना चाहता हूं। आप लोगों ने, किसी ने होम लोन ले रखे हैं क्या? वेरी गुड, बहुत लोगों के। अब मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देके जाना चाहता हूं जिससे आपके होम लोन की मानसिक शांति हो जाएगी, ठीक है? समझिए, आपने 25 लाख का होम लोन लिया हुआ है, 25 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। एकदम आपको प्रैक्टिकल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है? हर महीने जब आप होम लोन की ईएमआई देते हैं, आप ये समझिए कि मुझे वो जो मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसकी प्रीमियम भी देनी है। तो महीने की कितनी प्रीमियम आएगी? 500,000 रुपये जो भी आएगी, उतनी भी भर दीजिए साथ में। क्यों करना है ये? आज आपने बड़े अरमान से घर खरीदा है, भगवान करे सब अच्छा हो, लेकिन किसी भी वजह से कल हम ना रहें, क्या होगा? उस घर का कर्ज कौन चुकाएगा? आपने जिस उम्मीद से अपने परिवार के लिए घर खरीदा है, पता चले उन्हें वो घर बेचना पड़ रहा है या ईएमआई नहीं भर पा रहे, तुरंत आपके सामने इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस आपका होम लोन जो है पे कर देगा। क्योंकि बाकी सपोज आपके पास इंश्योरेंस है, भारत सरकार आपको दे रही है, भारत सरकार आपको होम लोन के सामने तो इंश्योरेंस नहीं दे रही ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। ये काम तुरंत कर लीजिए। जिन जिन लोगों के पास होम लोन है, ये समझिए कि मेरी ईएमआई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपकी एकदम मानसिक शांति होगी कि आपके पीछे अगर और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, समझिए थोड़ा सा हमने ज़्यादा पैसा भरा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको ज़रूरत आ गई तो आपका होम लोन चुकता, होम लोन से आपका, आपके इंश्योरेंस से होम लोन चुकता हो जाएगा, आपके परिवार को घर मिलेगा। दूसरा ये कि हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग के साथ एक फ़ायदा है कि हम लोग की फिक्स सैलरी होती है जी। तो फिक्स सैलरी में क्या है कि हमारे यहाँ पे जो स्लैब है, जैसे लोग 30,000 रुपये के आसपास उनको मिलता है, 30,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपये लोग के बीच की सैलरी है जी। अब सवाल ये है कि आदमी को ये पता, हम ये जानना चाहते हैं आपके थ्रू कि अगर कोई अगर 10-30,000 रुपये उसको अगर सैलरी आ रही है उसके पॉकेट में, या किसी का 50 है, किसी का 75-1 लाख, कितना परसेंट है जो सेविंग के लिए उसको बचाए? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग को आप ये ज्ञान दीजिए कि हम लोग के जो अलग अलग इनकम स्लैब्स हों तो कितना ऐसा हम लोग कम से कम इतना प्रतिशत हम लोग अलग अलग उस स्लैब में बचा सकें, क्योंकि उसका ज्ञान हमको बिल्कुल नहीं है। मैं एक तो मारवाड़ी हूँ, ऊपर से CACS, करेला और नीम चढ़ा तो मेरा तो ऐसा हाल है कि आप मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूँगा जितना बचा पाएँ, खर्च करते ही क्यों हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। देखिए ये रतेला साहब, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि कितना बचाना चाहिए, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग है। लेकिन एक चीज़ समझिए, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है
आपके खर्चे उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते, राइट भाई? ऐसा तो है नहीं कि मेरी सैलरी 1 लाख है तो मैं 2 चपाती खाऊंगा और जैसे सैलरी 1.5 लाख होगी तो 3 चपाती खाऊंगा या 2 लाख होगी तो 4 कर दूंगा। खर्चे आपके उस प्रोपोर्शन में कभी नहीं बढ़ेंगे। तो पहली चीज, बढ़ती हुई सैलरी के साथ खर्चे के बजाय सेविंग बढ़नी चाहिए। इनिशियली देखिए, आज एक सिंपल चीज़ है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई जवान 25 साल का है, अब वो 25 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा जिंदगी जीने का समय है, उस वक्त आप में एनर्जी है, अरमान है, आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, खर्चा करना चाहते हैं, और उस वक्त मैं कहूँ कि आप सारा बचाइए, तो फिर ये कहेंगे कि भाई मैं बचा तो लिया, 50 साल में मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, लेकिन अब क्या, अब ना वो एनर्जी, ना टाइम है, ना वो जिंदगी के अरमान रहे, राइट? तो आपको एक बैलेंस बनाना है, हर वक्त जिंदगी जीनी है। 25 साल की उम्र में अलग तरीके से पैसे बचाए जाएंगे, 35 में अलग होगा, 40 में अलग होगा, बैलेंस बना के चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि 35 साल की उम्र में मैं सारे उड़ा भी दूं क्रेडिट कार्ड पे और उधार भी ले लूं, लोन भी जितने मिल सकते ले लूं। बचाना हर उम्र में है, 25 में भी और 35 में भी और 50 में भी। जितनी उम्र कम है वहां थोड़ा कम बचेगा तो चलेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है, आप फिर ये नहीं कहेंगे कि मैं 10% सैलरी का बढ़ाता हूं, आज मेरी सैलरी 50,000 है, 5,000 बढ़ाऊंगा, और मेरी सैलरी 5 लाख हो गई तो मैं भी 50,000 ही बचाऊंगा, ऐसा नहीं। जब आपकी सैलरी 5 लाख है तो 3 लाख बचना चाहिए, और 50,000 है तो 5,000 भी बचाएंगे तो चलेगा। तो आपको बढ़ती हुई सैलरी और बढ़ती हुई उम्र के साथ पैसा बचाना और उसको इन्वेस्ट करना, ये बढ़ाना जरूरी है। माइसेल्फ ओम प्रकाश यादव, सर मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, एक फर्स्ट चिट फंड कंपनीज क्या होती हैं? पहली चीज़ तो ये कि चिट फंड कंपनी बेसिकली वो रास्ता है जिधर आपको जाना नहीं, ठीक है, सिंपल। तो सर कहने का मतलब यह है कि क्या चिट फंड कंपनी से हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए? बिल्कुल 100%। ओके सर, थैंक यू। डिस्टेंस नहीं मतलब, डिस्टेंस तो छोटा शब्द है सर, आपकी भाषा में देखते ही गोली मार देनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। और इसी के साथ हम शो को रैप अप करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपके। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ, प्लीज सर, प्लीज। मैं है ना कई बार रुतेला साहब, मैं कई सारे फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू करता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, तो मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कई बार बात करता हूँ, उनके साथ मैं थोड़ा हल्के फुल्के क्षण बिताता हूँ। मतलब मेरे लिए है ना वो रियल स्टार्स हैं, रील पे दिखने में आप रियल स्टार्स हैं, और इन रियल स्टार्स के साथ में मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे ऐसे यादगार क्षण मेरे लिए होने चाहिए, तो और स्वतंत्रता दिवस का मौका है तो, और हम कि कौन कौन लोग डांस कर लेते हैं? सिंगर्स भी हैं सर, उससे पहले सिंगर्स भी हैं, सिंगर्स भी हमें बताया गया है, तो आपका कुछ सिंगर्स भी हैं हमारे, तो टैलेंट बाहर आना चाहिए, और कुछ आपके साथ मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिले तो मजा आ जाए। प्लीज सर, आप में से कौन अच्छा गाना, कौन? अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, अरे अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, पहले असिस्टेंट कमांडर अमित जी के पास चलते हैं, अमित जी और बाद में उनसे भी, और उसके अमित जी तक माइक पहुंचे, अमित जी के पास माइक दे दीजिए। अच्छा, आप इंडियन आइडल तक गए? सर ट्राई किया था, बट उस समय करियर फोकस ज्यादा था इसलिए जा नहीं पाए। नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गाने वाले और भी मिल जाएंगे, देश की सेवा करने वाले लोग कम है। थैंक यू सर, इससे पहले मैं बैंकर था। क्या बात, अरे वाह, क्या बात, वाह, वेरी नाइस जी। सर कुछ सुनाए? सर मैं आपको ओल्ड सॉन्ग सुनाना चाहूंगा, जो काफी पुराना सॉन्ग लोग काफी पसंद करते हैं। एक सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। तुम इन सबको छोड़ के कैसे दूर बहुत जाओगे, तुम इन सबको छोड़ के कैसे
दूर बहुत जाओगे, सच कहते हैं याद बहुत तुम याद बहुत आओगे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। आप भी हमें बहुत अच्छे लगे सर, आपको तो फिल्म में होना चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह, इतना आप खूबसूरत हैं, इतना बढ़िया गाते हैं, ऐसे बढ़िया हेल्थ है। इंडियन आइडल की टीम चूक गई सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं हेड कांस्टेबल के सत्यनारायण हूँ। मैं बचपन से एक प्रोफेशनल डांसर हूँ सर। अच्छा। हाँ सर, अभी अगस्त 29 तारीख को गुजरात वडोदरा में मेरा डांस शो है। ओके। हाँ सर, अभी आप प्रोफेशनल डांसर हैं? हाँ सर। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपके लिए कुछ म्यूजिक चाहिए होगा सर? आपके लिए कुछ म्यूजिक, आप गाना गाएंगे या डांस करेंगे? डांस करेंगे। डांस करेंगे। अच्छा, गली बॉय का लगा लीजिए। गली बॉय, क्या बात है। सर कहाँ से हैं आप? साउथ में? सर कहाँ से हैं आप? साउथ में? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ, डांस आपका रणवीर सिंह से तो बेहतर है। अच्छा हुआ दीपिका को आप पहले नहीं मिले। बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत बढ़िया सर। और कोई? जी जी सर। मेरा नाम देवशंकर मिश्रा है, मैं कमांडेंट हूँ CRPF में और IG वेस्टर्न सेक्टर ऑफिस के अंदर। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरजू, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है सर। रोतेला साहब ने साथ में मुझे बता दिया कि काबुली वाला इस पिक्चर का ये गाना है। अच्छा, काबुली वाला मन्ना डे साहब ने गाया था ये बात सर। क्या बात, मुझे लग रहा है कि ट्राई कर सकते हैं। ठीक हुआ, ठीक।
ऑल राइट, और कोई? हाँ जी, क्या बात है, टैलेंट क्या बात है। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू से फ्यू डायलॉग्स दैट आई राइट। I write dialogues also and I write songs also. Great. And with the blessings of my mother goddess in Jasol, because you are from Marwad and I am also, my mother maternal family is from Marwad. Arey wow, wonderful. So with the blessing of my mother goddess in Jasol, Maharani Bhatiani sir, I write bhajans and songs and dialogues and fight wars also with pride. Kya baat hai. Very nice sir. So I've written few days back a dialogue like hamari aankhon ke gurur se hamare deshbhakti ka jazba bayan hota hai and ranbakuron ki aankhon mein gurur nazar aata hai aur jab tak unke ragon mein khoon ek fauji ka behra hai desh ka jhanda upar lehrata hai. Kya baat hai, bahut badhiya, excellent. Filhal aapke talent ko aur aapke jazbe ko salute hai sir. Aur jo inhone shabd ka prayog kiya ranbakure wo mera bhi shabd hai. मैं भी उसे जब भी कभी सैनिकों को संबोधित करना हो तो मैं भी उन्हें कहता हूँ रणबांकुरों को, और आप जैसे रणबांकुरों को हमारा सैल्यूट है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, ये हमें ये हमेशा हमेशा याद दिलाएगा हमें कि हम भी आपके बीच में रहे हो, हमें भी वो गौरव के पल मिले आपके साथ कुछ पल गुजारने के। और ये मौका ऐसा है, देश आज़ादी का 73वां वर्षगांठ मना रहा है और हम आपके बीच में रहे, हम सब ने कुछ बातें आपसे शेयर की, अपना फर्ज निभाते हुए सर ने भी अपनी कुछ बातें आपको अपनी टिप्स के तौर पर दी, हम बहुत गौरवान्वित हुए आपके सामने आकर। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया पूरे जी बिजनेस परिवार की ओर से, धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा सर कि एक देशभक्ति गाना हो जाए और जितने हमारे जवान हैं और ऑफिसर्स हैं एक एक ग्रुप डांस हो जाए, तो फिर मजा ही आ जाए। फिर आइए सर, आइए आप प्लीज सर। दिल के लिए दिल जा रहा हम, दुश्मन के लिए तलवार रहा हम, मैदान में अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।